नमस्कार सुब्रतास किचन को आपमन को बहुत बहुत स्वागत। आज आम जहनी गोटे बरा बनवा जोटा कि सुपर क्रिस्पी रहिबो आउ खाइबा बहुत ही टेस्टी लगे। जो मैंने जहनी खाऊना से मानक भी यहाँ बहुत ही टेस्टी लगे। तो खूब कम टाइम आप रेसीपी को घरे बन पारे। जदि मो रेसीपी गुड़िक आपको हेल्पफुल लगुता है तेब वीडियो को लाइक आउ शेयर करूँ आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनी आउ एम नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन गुड़िक पाइबापी सब्सक्राइब कलापर पाखे छोट बेल आइकन टी प्रेस करनी तेज आउ डेरी नक चलतु वीडियो को देखने। फास्ट ये कि गोटा जहनीर चोपा को छड़ेकी गोटा ही धोई नहीं। तो ये देखिपे मुझे पूरा कसी जहनी ये नहीं तो एमती पतला आ कसी जहनी आप यूज करेंगे ये रेसीपी। एवं आम देखु जहनी को एमती काटि नवा तो देखिपे मुझे ये बड़ बड़ करके जहनी को काटुची एमती काटि सारा मुझे भाया काटुचे ये आप देखते सेमती काटे तो यहाँ काटे जमती तल को यहाँ टी लगिक रो तो जहनीर मोटा को देखिकी आपको काटे। फास्ट ये मुझे दीटा कट लगे आउ दीटा कट आम लगे तो टोटाली आपको ये मुझे पार्ट्रे डिवाइड करा तलु लगिक एमती रखु पूरा आ तल पर्यंत काटिक अलग करदे ये भाया ही काटने बेसी आपको मोटा करे ना बिलकुल भी यहाँ क्रिस्पी हेनी भल से सीझीपर जहनी। तो ये देखते मुझे जमी काटुचे आपड़ा ही काटे आदि बेसी मोटा जहनी नौ थे प्रथम दुई फाड़ करे भाया काटे। एवं आम स्वाद अनुसार लुण देद आठ देखु मुझे दुई पिंच भाया हलदी गुंड दुई पिंच रागवाला लंका गुंड देदे एवं आपको आम हाथ में भल भाव मिसई ना। तो देखिपे मुझे गोटे गोटे जहनीर भर को पूरा सब मसला को एमती पुरौचे से भाया आपण ही करेंगे। एवं आपको आम 15 मिनिट रेस्ट पे छाड़ा ता भितर गोटे बैटर बनई ना से गोटे मिक्सिंग बोल रे आधा कप चावल गुंड 1/4 कप बेसन आउ 2 चमच मैदा देद माने जी चावल गुंड ने तार अधा बेसन आउ बेसन अधा मैदा। एवं स्वाद अनुसार लुण 2 पिंच हलदी गुंड 1/2 टीस्पून रागवाला लंका गुंड आउ 1/3 टीस्पून गरम मसाला 1/2 टीस्पून कंचा जीरा आउ गोटे पिंच जुआणी दे दूची आउ गोटे छोट चमच धला राशि आउ गोटे छोट चमच पियाज अदा आउ रसुण पेस्ट देद आपण चाहिए खाली अदा रसुण पेस्ट देपारे। एवं आम आवश्यक अनुसार अल्प अल्प पा दे कि गोटे बहलिया बैटर बनवा तो जमी आलु चप्र बैटर आम बन था आपको से बहलिया रखे। तो देखिपे बैटर कनसीस्टेन्सी ये के अच्छी बेसी पतला करें तो एवं आपको आम सैड कर नवा आ जहनी को मैरिनेट करके रखार 15 मिनिट हो जा देखते एमती जहनी को आप चिपिकी सबू पानी गुड़ा बाहर करदे जदि न बाहर करेंगे तेज रेसीपी बिलकुल भी आपणकर क्रिस्पी हेनी। तो देखिपे मुझे सारा पा बाहर करें फ्राए करवा तो गोटे फ्राए पैन रे किछ रिफाइन तेल दे दी तो आपण ये आउ टे बेसी तेल नहीं कि पूरा डीप फ्राई मध्य करें मुझे किसी अल्प तेल रे सालो फ्राए कर जहनी को आम से बैटर रे डीप करी गरम थिबा तेल रे दे दबा। तो तेल को फर्स्ट भल भाव गरम करने सबू जहनी को बैटर रे डीप करी तेल रे दे देबे। तो ऊपर बैटर टिके देखु कम लगुच तो आउ टे बैटर मुझे दे दौर आपण आपको तावा रे अल्प तेल देकपारे बट यहाँ सेकवाई बहुत ही टाइम लगे। तो एमती फ्राए कले ही आरो टेस्टा बहुत बढ़िया आसब आउ थे कहीदे आपण आपको डीप फ्राएपरें आउ टे जल्दी आठारूब तो आपको आप मीडियम फ्लेम रे ही एपट सेपट करके फ्राए करेंगे टी फ्राए हाँपाई टाइम लगे जेहेतु ये मुझे अल्प तेल नहीं जो मोटा पार्ट अच्छे जहनीर ताको देखते एमती सीधा करके रखिदे जहाद्वारा से भल से फ्राए हम जदि आप अधिक तेल नहीं कि आपको डीप फ्राए करुवे ये प्रोसेस करवा कि भी दरकार नहीं। तो मीडियम फ्लेम रे एपट सेपट करी कि समय कुक करने
ये देखिपे दुईपट सैड्रु आर कलर ये लाइट गोल्डेन हो गला आटा भल से क्रिस्पी हो गला एवे गोटे प्लेट को छाणी की बाहर करनाबा आपको बाहर करवा मात्रे ही गरमा गरम सर्व करेंगे कहीं जहनीटा रे से पानी बाहरी जब बिल्कुल भी खाईपाई टेस्ट लगे तो आपको फ्राए करके बाहर करेंगे मानने सांगे सांगे ही सर्व करेंगे तो आपको आपत पखा सहित साइड डिश भाव में खाई ना आपको एमती खाली स्नाक्स भाव में खाई आईवापी यहाँ बहुत ही टेस्टी लगे तो ये प्रोसेस रे ये जहनी बरा को आपण माने थरे घरे बनांतु आपणकर एक्सपीरियंस कमेंट माध्यम रे जणांतु थैंक यू।